हाय विदिता, हाउ आर यू? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको देखकर सर्टनली अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज जब फोन पे सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं आपको। ओके, सो स्वीट। चलिए अब मुझे बताइए, जिंदगी कितनी बदल गई है? जिंदगी बहुत, मतलब बहुत चेंजेस आए, क्योंकि आइडल पे ये मैं जो पार्टिसिपेट किया था इस बार, तो ये मेरा आइडल पे फर्स्ट टाइम था। और मैं बस ऐसा लेके आई थी कि ठीक है, ऑडिशन अच्छे से देंगे, फिर उसके बाद जो होगा ठीक है देखा जाएगा। ऑडिशन बस अच्छे से देना है और जो होगा ठीक है देखा जाएगा। बट ऑडिशन ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद टॉप 15, फिर टॉप 10, फिर टॉप 6, फिर टॉप 4 में आना, मतलब एक सपने जैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए कि फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया आदि पे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जर्नी इतना लंबा रहेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं सच में मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और लोगों से इतना प्यार मिलेगा आइडल के जर्नी, मतलब फर्स्ट आइडल जर्नी में, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग, बहुत ब्लेस फील करती है। हाँ, नाइस। तो अभी हाल फिलहाल जब घर पर पहुंची, अच्छा जब आपका डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट्स आ गए, जब घर पर पहुंची तो सब आसपास वाले कैसे देख रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कितनी सेल्फीज खींच रहे थे आपके साथ? बहुत, मतलब घर मेरी जो फैमिली है वो तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि जब भी वो बाहर निकलते तभी बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी विदिता कितना अच्छा गाती है, विदिता कितना अच्छा कर रही है शो पे, ऐसे आगे बढ़ते रहे, वो बहुत कुछ करेगी आगे जाके। तो जब मम्मी पापा मुझे आके, मम्मी मुझे आके बोलते हैं कि पता है विदिता तेरे बारे में, मैं जब निकलती हूँ बाजार में, तब तो ऐसे बोलते हैं तेरे बारे में मुझे, मुझे इतना अच्छा लगता है विदिता। तो मुझे ये सुनकर ऐसा लगता है कि वो कितने प्राउड है मुझे लेकर, मैं इससे ही बहुत ज्यादा खुश हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, नाइस। अच्छा, आपकी पढ़ाई में क्या चल रहा है? आप कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो स्कूल या कॉलेज जहाँ आप भी पढ़ने जाती हैं वहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? अरे हाँ, मेरा भी फर्स्ट ईयर है कॉलेज का, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही हूँ। तो वाह। मेरा ऑब्वियसली इंटीरियर डिजाइनिंग में तो सब फिजिकली होता है, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, बट कॉलेज में इतना सपोर्ट मिल रहा है, मतलब डायरेक्टर से ऐसे ही मतलब ऑर्डर आया है कि विदिता को जो भी फैसिलिटीज चाहिए उसको दो। इवन मैं अभी भी, तो मेरा शो चलने वाला है, तो मैं अभी भी हाँ कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। तो हाँ इवन उन्होंने ये बोला है कि तुम बस थोड़ा थोड़ा सीख लो, बाकी कुछ करने का ही नहीं है, तुम बस एग्जाम देने के लिए प्रेजेंट रहो, तुम कुछ लिखोगी या फिर नहीं लिखोगी, तुम हमको इतना, तुम हमारे कॉलेज को इतना प्राउड कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है विदिता, तो तुम ऐसे अच्छा गाते रहो और हम ऐसे तुमको सपोर्ट करते रहेंगे। मतलब कॉलेज वाले बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव, बहुत ही ज्यादा। नाइस। तो आपको डिजाइनिंग एंड ड्राइंग इन सब का भी बहुत शौक है? हाँ, मुझे इंटीरियर पार्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, आप बचपन से ये म्यूजिक की दुनिया में रहे हो। हमने आपके कई अलग अलग, मतलब बहुत सारी जगह पर आपके बड़े छोटे से उम्र से आपको काम करते हुए, मेहनत करते हुए, संगीत की साधना करते हुए देखा है। तो किसने शुरू किया, क्या सॉरी, इंस्पिरेशन थी? अच्छा, इंस्पिरेशन मैं बेसिकली मेरी दीदी से इंस्पायर हुई, क्योंकि वो भी सिंगिंग करती है। तो जब वो मेरे से 5 साल बड़ी है, तो जब वो गाना सीखती थी, तब मैं शायद से 3 साल की थी। तो तब अच्छा। वो जब गाना करती थी, तो मैं उसको सुन सुन के मैं भी मन मन में गाती थी। तो वो ही मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया, तो तभी से मेरा सिंगिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। ओ हाउ नाइस। और अब फिर वो दीदी जिनसे आप इंस्पायर हुई हैं, वो कितना खुश हैं और उन्होंने बहुत क्या कहा ज्यादा, आपको? मतलब मेरी दीदी सिंगिंग में, मतलब मैं आज जहाँ तक भी हूँ इसमें, मेरी दीदी का बहुत ज्यादा हाथ है, क्योंकि हर एक कुछ भी मैं, मतलब कहीं भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो सबसे पहले दीदी को बताती हूँ। दीदी मुझे बहुत कुछ सजेस्ट करती है गाने को लेके, गाना वगैरह मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मतलब ओवरऑल मेरी दीदी का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब मैं आज जहाँ पे फिजिकली। लवली। अच्छा, आप जब आप टॉप 10 में आई, या टॉप 15 देन टॉप 10, इस तरीके से आपके जो एक एक पड़ाव आगे बढ़ते गए, विदीप्ता, कहीं भी ऐसा डर लगा, कहीं भी ऐसा नर्वसनेस लगा कि बाप रे, अब तो सारे पूरे देश भर के लोगों से कंपटीशन है मेरा? ऑनेस्टली मुझे जब भी मेरा ऐसा होता था ना कि मैं सुने, मतलब टॉप 10 में आई, फिर 15 में के बाद टॉप 10 में, तो मुझे ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि अच्छा मैं अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए मैं मतलब आगे जा रही हूँ। क्योंकि अच्छा। ऐसा ना था कि बाकी जो लोग एलिमिनेट थे वो भी इतना अच्छा गाते थे, फिर भी वो इस बस एक दिन के गाने की वजह से, एक दिन के गलती की वजह से वो लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, बट वो जेन्युइनली ओवरऑल कितना अच्छा गाते, कितने अच्छे सिंगर थे। तो मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि मैं अच्छा कर रही हूँ इसलिए मुझे मिल रहा है, मतलब आई डिजर्व दिस। तो वाह। मुझे और अच्छा करने का, मतलब मैं वो ये आता था, मतलब मोटिवेट फील होता था कि मैं भी और अच्छा म्यूजिक करूँ और अच्छा परफॉर्म करूँ स्टेज अरे वाह वाह। अच्छा, कौन था पे। ऐसा जो आपको अपने अलावा लगता था कि अरे वाह, कितनी सुंदर सिंगर है, या कितना अच्छा गायक है, ये सब चीजें, ये सब क्वालिटी तो बहुत ही सुंदर है, ऐसा कौन था आपकी मतलब टीम हमारे शो पे, में? हाँ जी। हाँ हमारे शो पे तो सभी बहुत अच्छा गाते थे, बट मेरे, मुझे तो लगता है, मतलब लगता अभी भी है कि वाह कितना, मतलब इतना अच्छा गाते हैं, मुझे कभी भी लगता है कि
मतलब इनके जैसा मैं भी गाऊँ ऑनेस्टली, मुझे ऐसा लगता है. वो है सेंजुती दीदी, उनका वॉइस ओ टेक्सचर इतना अच्छा है, उनका हर एक मतलब जैसे गाती है, जैसे गाने को परफॉर्म करती है, इतना मतलब परफेक्टली परफेक्शन के साथ गाती है, तो मुझे बहुत वो बहुत पसंद है. ओ, तो जब वो गई तो आपको तो थोड़ा सा दुख हुआ होगा कि अरे अब दोस्त चली गई मेरी, मैं क्योंकि संजुति खुद बोले कि उनकी आपकी ऋषि की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। पता है जब बोला कि सेंचुरी जी जब बोला कि एलिमिनेट हो चुके, तो तब मैं कैमरा ऑन था तो मैं अपने आंसू रोक रही थी कि अरे नहीं मुझे भी नहीं रोना है. तो जब भी मुझे मतलब डिक्लेयर हुआ कि वो एलिमिनेट हो चुके, तो मैं अपने आंसू रोक रही थी कि मुझे भी नहीं रोना है, भी कैमरा चालू है. मैं स्माइल, मेरे मतलब फेस में स्माइल भी नहीं आ रहा था. जब भी बोला कि ठीक है कट, मैं दौड़ के सेंचुरी जी के पास गई रोते हुए. मतलब पता नहीं ऑटोमेटिकली, और बेसिकली तब ना मतलब तब ऑन कैमरा में सभी सभी मतलब स्माइल करते, कोई रो नहीं रहा था, पर बस मुझे ही रोना था कि मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी बात पे रो देती हूँ. बट ये थोड़ी बात एक बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब इतनी बड़ी बात थी हम सबके लिए. इवन मैं अकेली नहीं, सारे कंट्री, इवन सब पेरेंट्स भी, मेरे पापा, सरस्वती जी की मम्मी भी रो रही थी आके सेंजू जी के पास. मतलब ये बहुत ही शॉकिंग था हम सबके लिए. बट वो और बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं. वो आई आई एम डैम श्योर कि वो डिजर्व, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पाए मतलब वो ले, मतलब पाएगी. वो बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं संजू जी दीदी, और वो पाएगी. बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी पूरे इंडियन आइडल में संजुति के अलावा किससे बहुत अच्छी दोस्ती रही है? संजू दीदी, हाँ सबसे, मतलब संजू दीदी, चिराग, शिवम, ऋषि, सोनाक्षी दीदी, देवश्री, सबसे ही सभी बहुत, मतलब हम टॉप 6 बेसिकली, बहुत सभी मतलब सभी के साथ एकदम फैमिली जैसा. मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ अच्छा नहीं था, उसके साथ अच्छा था, सबके साथ अच्छा था टॉप 6 में. अच्छा, आपके लिए ना बहुत ज्यादा बात होती है कि विदिता का इंटरव्यू लेकर आइए, मेरे इसमें कई बार लिखा हुआ आता है, फिर बोलते हैं कि आपका और साथ ही में ऋषि का इंटरव्यू लेकर आई है। तो ऋषि से क्या अब बातें होती है? डू यू मिस हिम? क्योंकि वो आपके बहुत अच्छे सिंगिंग पार्टनर बन गए हैं। हाँ मतलब, हाँ मतलब सबको ही बहुत मिस करती हूँ, उसको भी मिस करती हूँ, क्योंकि हम दोनों मतलब हम दोनों के बीच में जो गाना, जो जो अंडरस्टैंडिंग हो गया था ना, कि मतलब हम दोनों एक हाँ दूसरे को समझते थे कि गाने के बाद, गाने गाने के वक्त की उसको क्या अच्छा, मतलब उसको क्या कंफर्टेबल है, मुझे क्या कंफर्टेबल, उसको पता था मुझे पता था उसको क्या कंफर्टेबल होता है. तो वो अभी जब ऐसे ही जब लास्ट डुएट हम लोग गाए थे शो पे, तो तब वो बोल रहा था कि ये हमारा लास्ट डुएट है. तो कैसा लग रहा था कि अरे ये लास्ट डुएट है. फिर मैंने बोला कि अभी तो शुरुआत है, इसके बाद तो अभी लाइव शो में जाके और भी बहुत सारा गाएंगे ना, तो हाँ, तभी तो थोड़ा बहुत ऐसा होता रहता है, बट अभी तो आई नो। शुरुआत है. नहीं, वो जब आप साथ में रहते हैं तो एक वो बॉन्डिंग बड़ी अलग हो जाती है ना। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग। सो लेकिन मैंने सुना है आप उसको डांट भी देती थी अगर वो थोड़ा सा बोलता था कि नहीं हम थोड़ा बाद में कर लेते, अभी मुझे ये करना है वो करना है। तो मैंने सुना था आप डांट भी देती हैं उसको।